Hello everyone. This video is for class third. There was a naughty boy for the month of November. It's a poem. I'll read the poem and then I'll explain you. You remember I have explained you this in Zoom class also, but again I'm explaining you. If any doubt, you can ask me. Written part you will be getting in the website in the uh, PDF form. Complete your work and send me on my personal number uh, as a, in a PDF form only. Okay. There was a naughty boy. A naughty boy was he. He would not stop at home. He could not quiet be. He took in his knapsack a book full of tov, uh, a book full of vowels, and a shirt with some towels, a slight cap for nightcap, a hairbrush, ditto new stockings for old ones, were split. Oh, the knapsack tight as at his back, he reverted clothes and followed his nose to the north and a north, and followed his nose to the north. Now see. दिस पोएम दिस दिस पोएम इज अबाउट अ बॉय ठीक है लेकिन यहाँ पे ये जो बच्चे है ये नोटी नहीं है ठीक है बट एक uh, पोएट अपना बताता है कि एक बच्चा का अंदर इच्छा क्या होता है ठीक है यहाँ बच्चा का ये इच्छा हो रहा है कि दिस बॉय ही वॉन्ट्स टू गो आउट He wants to go somewhere out. ठीक है ऐसे कहीं बाहर जाने का मन है नैपसैक का मतलब होता है कि एक जैसे कि कहीं पे आप घूमने जा रहे हो ठीक है तो एक बैग है जो पीछे वो टांग के जाना चाह रहा है वो चाह रहा है कि मतलब एक बैग मैं ले लूँ और उस बैग में मेरा टॉवल हो ठीक है मेरी बुक्स हो मेरे खाने पीने का सामान हो एक हेयर कॉम हो ठीक है ये अपना नीड जो भी इसका नीड है ये ये बता रहा है एक शर्ट हो कैप हो हेयर ब्रश हो स्टॉकिंग्स हो मेरे पास है ना और ये क्या चाह रहा है कि इसे कहीं बाहर जाना है इसे अकेले जाना है नॉर्थ मतलब यहाँ पे जैसे ये डायरेक्शन दिया हुआ है टू द नॉर्थ टू द नॉर्थ एंड फॉलोड इज नॉर्थ टू द नॉर्थ इसका मतलब यहाँ पे ये यह हो ये है कि ये कहीं दूर जाना चाह रहा है नॉर्थ मतलब ऐसा नहीं कि इसे नॉर्थ साइड जाना है ठीक है यहाँ पे ये बता रहा है कि इसे कहीं दूर डिस्टेंस कवर करना है लेकिन ये बच्चा होने के कारण इसे कोई बाहर जाने नहीं दे रहा है और इसे ये कहा जा रहा है कि ये बच्चा बहुत ही नोटी है हम इनसे ये कह देते हैं कि बच्चा नोटी है लेकिन यहाँ पे ही इज नॉट अज दिस बॉय इज नॉट नोटी ठीक है लेकिन इसके साथ ये किया जा रहा है कि ये नोटी बच्चा है नहीं ये क्या चाह रहा है कि ये आ, मतलब इसे घर पे कोई ना रोके ठीक है और ये चुप भी नहीं रहना चाह रहा है ये चाह रहा है कि मैं बोलूँ घर पे ठीक है कि मुझे कहीं बाहर जाने दो लेकिन घर देखो ये बच्चा है तो बच्चों को तो कोई बाहर अकेले नहीं भेज सकता है ना लेकिन इसके अंदर का जो फीलिंग है ये बॉय का जो अंदर का जो फीलिंग है वो ये कह रहा है कि इसे कहीं बाहर जाना है इसे अकेले कहीं घूमने जाना है कहीं दूर जाना है इसे ठीक है सो ये 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 so, पोएम यही बता रहा है कि उसके जो मन का जो फीलिंग्स है वो क्या है तो इसके मन का फीलिंग ये कह रहा है कि वो चाह रहा है कि एक मेरे पास बड़ा सा बैग हो जिस बैग में मैं आ, अपने वॉवल्स का बुक रख लूँ, एक शर्ट रख लूँ, टॉवल रख लूँ, कैप ले लूँ, एक नाइट कैप ले लूँ, हेयर ब्रश होना चाहिए है ना न्यू स्टॉकिंग्स होना चाहिए ठीक है तो ये सोच रहे हैं, ये सब कुछ मैं अच्छे से अपने पास ले लूं और मैं बिल्कुल ओ, क्या कह रहा है ही रिविटेड क्लोज रिविटेड क्लोज मतलब का होता है कि बिल्कुल अपने पास रखना ठीक है रिविटेड क्लोज का मतलब होता है बिल्कुल अपने पास रखना ठीक है तो मतलब ये ओ, इस पोएम में कुछ नहीं है दिस पोएम इज ऑल अबाउट अ बॉय ठीक है हु वॉन्ट्स टू गो आउट अलोन

ठीक है कि एक बच्चे के अंदर का फीलिंग क्या होता है ये बच्चे का अंदर का ये फीलिंग है कि उससे बाहर बहुत दूर ट्रैवल करना है ठीक है सो ये पोएम में बस इतना ही है नथिंग मोर देन दैट सो वॉट यू हैव टू डू इज यू जस्ट गो थ्रू विद द पोएम लर्न द पोएम एंड देन कंप्लीट योर रिटर्न पार्ट ओके